रविवार को 26वीं वाहिनी पीएससी गोरखपुर में 3 दिवसीय पुलिस समर कैंप के एसएसपी शलभ माथुर ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले समर कैंप में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज में चोरी अपहरण सहित अन्य आपराधिक घटनाओं से निपटने के लिए बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से समर कैंप का आयोजन किया गया है। समर कैंप में प्रशासन सहित अन्य सभी वर्गों के बच्चों ने हिस्सा लिया है। समर कैंप में बच्चों को बताया जाएगा कि पुलिस किस प्रकार से अपने कार्यों को करती है, साथ ही साथ यातायात नियमों के संकेत और निर्देशों को भी बताया जाएगा। इस दौरान बच्चों के खाने पीने और रहने से संबंधित सभी सुविधाओं का खास ख्याल जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर सेना नायक 26वीं वाहिनी केएल मीणा, सीओ कैंट, प्रधानाचार्य पीएमएस उमेश पांडे, शिक्षक शिक्षिकाएं सहित 26वीं वाहिनी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा, पीछे से। उद्घाटन के शुभ अवसर पे हमारे मुख्य अतिथि माननीय एसएसपी साहब श्री यूनिसेफ के प्रतिनिधि अन्य हमारे सभी अधिकारी और सिटी के एनुअल स्कूलों से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के हमारे समर कैंप में पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चे, पीएमएस स्कूल के सभी बच्चे, मीडिया के हमारे सभी बंधु, 24, 25 और 26 3 दिन का ये समर कैंप पुलिस लाइन और परिसंस्कृत शिक्षक महोदय के सहयोग से पीएससी कैंप में आयोजित किया जा रहा है। कुछ इवेंट पीएससी में होंगे और कुछ इवेंट आपको डिस्ट्रिक्ट जैसे थाने के बजे कराए जाएंगे और UP 100 का हम लोगों को सभी बच्चों का टी शर्ट मिली हुई है जिसके 22 ऑर्डर पे जो UP 100 का लोगो है। आप सभी लोगों की UP 100 की जो गाड़ियाँ हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के कंट्रोल रूम है वहाँ ले जाके आपको बताया जाएगा। उसी प्रकार से अन्य कई प्रकार के प्रोग्राम जो कि 3 दिन लगातार चलेंगे, तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि सभी लोग इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें, एक एक चीज़ को समझें क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए पहली बार माननीय DGP महोदय के आदेश से और उनके निर्देशन में एक कार्यक्रम किया जा रहा है और ये करीब 13 जनपदों में हो रहा है। तो आप लोगों को मतलब इसमें बहुत ही एंजॉय आप लोग उसको करेंगे और कई इस तरह की अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हैं जैसे हॉर्स राइडिंग भी आपको कराई जाएगी और इसके अलावा कई अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप लोगों को करवाए जाएंगे, शहर के व्यक्ति को जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग सभी इसमें उत्साहित होकर और पूरी तरीके से मन से इसको करें और एक दूसरे बच्चे का ध्यान रखें, किसी को किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे। जो भी यहाँ पे हमारे साथ में PMS का स्टाफ है बाकी पुलिस स्टाफ में उनसे निवेदन करूँगा कि सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा केयर की जरूरत है। जैसा अभी कमांडर साहब ने बताया, काफी डिटेल में उन्होंने बता दिया आप लोगों का प्रोग्राम का मुख्य मुख्य चीजें क्या होंगी। आपसे बस यही अपेक्षा है जैसा अभी कमांडर साहब ने बताया कि आप सभी लोग अनुशासन में रहें, किसी का भी साथ ना।
किसी को भी लगता है कि तबियत खराब है, इनका कोई ठीक है, कोई भी छोटी सी परेशानी है, सब अधिकारी सभी लोग यहाँ पर हैं, उनको आप तुरंत बताइए और भी बात उनको, और जैसा बताया कि आपको अलग अलग विजिट यहाँ पे कराई जाएगी, इसका पर्पज ये भी है कि आप पुलिस को बहुत करीब से जाने, जैसा बताया कमांड साहब ने कि जैसे कि हम टीवी में टीचर में देखते हैं उसी में हमारा एक मन बनता है, तो ये आपके लिए दो चीज़ों की है, एक तो आप सबको यहाँ पे एक ग्रुप बनाने का मौका मिलेगा, एक दूसरे से दोस्ती करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ छोटी छोटी जो पुलिस से संबंधित जानकारी है वो जानकारी प्राप्त होगी, और मैं अपने समय ना लेते हुए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूँ कि यहाँ खूब अच्छे से एंजॉय करके जाइए और घर पे पुलिस के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। कोई गलत काम किसी के साथ ना होने पाए, किसी का सामान चोरी ना होने पाए, किसी का कोई सामान छीनने ना पाए, किसी का कोई सामान व्यवस्थित न लेने पाए, इसके साथ ही साथ दूसरे से जो कि अगर खेलों में कोई घटना होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप सब देखते भी रहे हो पुलिस का काम है, लगभग हर चीज रुपये हैं, अब बाजार जाते हैं बाजार में नहीं कहा होगा पुलिस अधीक्षक बाजार में भी आपको घूमते घूमते होंगे। ये ऑनरेबल डीजीपी सर के निर्देश और मार्गदर्शन के उसके अंदर यहाँ पर जनपद गोरखपुर के अंदर ये समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और जो बच्चे आए हैं उन लोगों को समर कैंप के साथ साथ हम लोग जो पुलिस की कार्यप्रणाली है इस तरीके से पुलिस कार्य करती है, खासतौर से ट्रैफिक है, यूपी 100 है, थानों की कार्यप्रणाली और भी चीज़ें हैं उनके बारे में उनको एक बेसिक मोटा मोटा जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही साथ बच्चे यहाँ पर एंजॉय करें उसकी सारी जो है हम लोग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। ये 3 दिन का शिविर है और इसकी क्लोजिंग जो है 26 तारीख को।